और चीन की गीदड़ भभकी का जवाब ताइवान ने भी देना शुरू कर दिया है। ताइवानी फौज ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिए। चीन की विस्तारवादी नीति अब हवा होने वाली है, क्योंकि ताइवान चीन की दखलंदाजी के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है। दुनिया को फर्जी वीडियो से डराने वाले ड्रैगन को ताइवान ने रियल वॉर ड्रिल से रूबरू करा दिया है। पिछले कई दिनों से चीनी सेना ताइवान से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए ताइवानी फौज ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल शुरू किया है। ताइवानी फौज ने विध्वंसक हथियारों से युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चेतावनी दी है। चीन के खिलाफ ताइवान का यलगार, ड्रैगन की नाक के नीचे युद्धाभ्यास। ताइवानी फौज ने दी चीन को चेतावनी, अब नहीं चलेगी ड्रैगन की मनमानी। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये युद्धाभ्यास चीन की मुख्य भूमि के बिल्कुल नजदीक लिनचियांग काउंटी के मासूर डिफेंस कमांड में शुरू की गई। इस दौरान ताइवान के सैनिकों ने अपने हथियारों से फायर एंड एंट्री लैंडिंग तैयारियों को मजबूत किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के M1 होविजर गन का इस्तेमाल किया। दरअसल एंटी लैंडिंग युद्धाभ्यास के दौरान जमीन से समुद्र में दुश्मनों के लैंडिंग क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट और जंगी जहाजों को निशाना बनाया जाता है। इन दिनों चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। अगर चीनी सेना ताइवान के किसी इलाके में हमला करने की कोशिश करती है तो उसे लैंडिंग क्राफ्ट की मदद लेनी होगी। इसलिए ताइवान ने एंटी लैंडिंग एक्सरसाइज को पूरा कर चीन को खुली चुनौती दी है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपने हथियारों को दिखाकर ताइवान को जंग की धमकी दे रहा है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। और चीन नेपाल की सीमा में दखल देता है, ओली सरकार चीन का ही बचाव करती है और नेपाल की जनता सड़क पर कोहराम मचा रही है। पूरे नेपाल में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध चल रहा है। कई जगहों पर पोस्टर के साथ नारे लगाए जा रहे हैं और ड्रैगन को उसकी हद में रहने की हिदायत दी जा रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भले चुप हैं, लेकिन नेपाल की जनता मुखर है, गुस्से में है। नेपाल के सीमावर्ती शहर बीरगंज में घंटाघर चौक के पास लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लिए लोगों ने चीन गो बैक, अतिक्रमण बंद करो, नेपाल की जमीन वापस करो के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जमा हुए थे, लेकिन चीन प्रेम में पीएम ओली को कुछ सूझ ही नहीं रहा। चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, चीन ने नेपाल के हुमला जिले की जमीन हड़प ली है, लेकिन इसके करीब एक हफ्ते के बाद भी ओली ड्रैगन के विरोध में एक शब्द नहीं बोले हैं। लोग सरकार के इस रवैये से भी नाराज हैं और कई जगहों पर सरकार के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। उधर चीन में नेपाल के राजदूत ने चीन नेपाल को अच्छा दोस्त बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि नेपाल किसी की परवाह नहीं करेगा, करे भी क्यों। पहले ड्रैगन ने नेपाल के हुमला जिले में अवैध निर्माण किया, उसकी जमीन हड़प ली, फिर नेपाल के अधिकारी जांच के लिए गए तो ड्रैगन की सेना ने नेपाली अधिकारियों को वहां से भगा दिया। आने वाले दिनों में अगर नेपाल ने अपने नीतियों को नहीं सुधारा, ड्रैगन से करीबियां कम नहीं की, तो उसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। ड्रैगन पहले नेपाल को अपने कब्जे में लेगा और फिर उसका सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,